मंदिर का शिखर क्या शानदार सजा है। इस बार मंदिर का जो सजावट है वो कुछ यूनिक लगेगा आप लोगों को। भीड़ तो है भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों नवरात्रि शुरू हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ तिनटोलिया माता का दर्शन करने के लिए। आज पूजा का जो है 6वां दिन है, चलते हैं देखते हैं क्या कुछ तैयारी हुई है, क्योंकि सुनने में आया है इस बार काफ़ी शानदार दुर्गा पूजा जो है तिनटोलिया मंदिर के प्रांगण में मनाया जाएगा। तो चलिए भाई साहब आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त हम लोग हैं भाई सिमराही बाजार में और हम लोग जाने वाले हैं बाइक से। तो मोटो ब्लॉग तो वैसे मैं करता नहीं हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है और निकलते हैं पहले यहाँ से। तो सिमराही की गलियों से सीधा हम लोग निकलेंगे पहले नेशनल हाईवे 57 पर। देखो मैं कहाँ से निकलूँगा अभी, वो सामने है हाईवे। गोप्रो मेरा जो है कई सालों से रखा हुआ था, लगभग दो सालों से मैं आईफोन से ही वीडियो बना रहा था, लेकिन सोचा गोप्रो है बाइक भी है तो एक बार थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉग करके देखा जाए। तो आज मैंने निकाल लिया और चल दे रहा हूँ अभी। ओह रोड कितना ख़राब है देखो, और यहाँ से जो है हम लोग हाईवे पे चढ़ गए नेशनल हाईवे 57 और उधर हम लोग जो है सिमराही को क्रॉस कर दिए। यहाँ पे थोड़ी दूर जो है रॉन्ग साइड से अपने को चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आगे कट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बाइक को अपने साइड नहीं ले जा सकते। तो चलो भाई साहब यहाँ से जो है हम लोग अपने साइड आ चुके हैं और यहाँ से अब निकलते हैं स्पीड से। यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर जो है अब बचा हुआ है तिनटोलिया माता का मंदिर। तो भाई साहब यहाँ से जो अपने को NH को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से अपन लेंगे राइट। तो देख लिया जाए पीछे गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रहा है। चलिए अब यहाँ से NH को छोड़ते हैं और यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं तिनटोलिया माता के दरबार की तरफ। वाह, देखिए यहाँ NH के करीब से तकरीबन 2 किलोमीटर है तिनटोलिया माता का मंदिर और यहाँ सामने में जो है बड़ी दुर्गा स्थान तिनटोलिया सुपौल प्रवेश द्वार, यहाँ पे भी जो है सजा दिया गया, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ से चलते हैं 2 किलोमीटर की 2 मिनट। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, गाड़ी जो है अभी गाड़ी लगाना पड़ेगा पार्किंग में, क्योंकि यहाँ से सब देखने पैदल ही जा रहा है और आगे बैरियर भी लगा हुआ है। तो भाई साहब गाड़ी हम लोगों ने यहीं पे पार्किंग में ही लगा दिया, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा जाम है और जाम में गाड़ी ले जाने का कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली हम लोग मंदिर तक जो है पहुँच चुके हैं और मंदिर वाले सामने रास्ते से दुकान वगैरह थोड़ा बहुत लग चुका है। भीड़ तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फिर पता नहीं क्यों वो लोग गाड़ी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। और ये देखिए मंदिर का शिखर क्या शानदार सजा है, क्या बात है। पूरा दुकान वगैरह सारा लग चुका है। SKG ब्लॉग देखना क्या मंदिर परिसर में काफ़ी चहल पहल है, नीचे पूजा पाठ का सामान वगैरह बिक रहा है। भीड़ तो है भाई साहब, इसी भीड़ के कारण जो है गाड़ियों को रोका जा रहा था। और मंदिर के प्रांगण में तो काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है, अंदर चल के दिखाता हूँ अभी।
पहले बाहर का नज़ारा आप लोग देख लो। मेला का जो दुकान वगैरह है सारा चीज़ लग चुका है। तो चलते हैं यहाँ से अब मंदिर के प्रांगण में और नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। इस बार मंदिर का जो सजावट है वो कुछ यूनिक लगेगा आप लोगों को। ऊपर शिखर का जो काम था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसके वजह से ये वाला जो सामने आप लोगों को दिख रहा है पर्पल कलर का, इसको बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी वगैरह लगा हुआ था। और मंदिर के अंदर भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है। और माँ का जो प्रतिमा है वो भी एकदम खोल दिया गया है। चलते हैं आगे दर्शन करते हैं। चलते हैं यहाँ से अब मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। प्रतिमा के आगे जो पर्दा लगा हुआ था उसे हटा दिया गया है। सबको जल्दी है जाने। फिलहाल मंदिर का जो गेट है वो बंद है, मंदिर के अंदर किसी को जाने के लिए नहीं दिया जा रहा और सब लोग बाहर ही पूजा वगैरह कर रहे हैं। फिलहाल प्रतिमा के आगे से जो पर्दा है उसे हटा दिया गया और आप लोग साथ साथ माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। इस बार के मंदिर का जो सजावट है आप लोगों को बहुत आकर्षित करने वाला है। देखिए कितने सारे रंग बिरंगे फूलों से जो है सजाया गया है। इधर भी देखिए सारे आर्टिफिशियल फूल वगैरह हैं और इस तरह के फूलों से एकदम पूरा मंदिर को एकदम सजा दिया गया है। तो तीन टोलिया का मेला काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, खासकर नवमी और दसवीं के दिन जो है यहाँ पे जो है कदम रखने तक का जगह नहीं होता है। और मेला के लिए दुकानें जो हैं एकदम पूरे तरीके से सज गई है। देखिए आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए सामने है माँ का मंदिर और इस साइड कुएँ के साइड से काफ़ी सारी दुकानें लग गई हैं जो प्रसाद मिठाइयों से सज गई हैं। चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है आज। देखिए और इस साइड भी एकदम पूरा दुकान लग गया है।
और यहाँ मुख्य द्वार को भी जो है फूलों से सजा दिया गया है। भाई साहब अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो आगे के वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे का जो वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।